जितना हमारे दर्शक उसी में बताना चाहूँगा। ये बाम एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हैंडवाश के लिए इस तरह से बनाया गया है, तो मैं आप देख सकता है यहाँ पे बच्चों को जैसे कि कोरोना के जैसे महाकाल जो महामारी जो चल रहा है वो उस स्थिति पे देखते हुए यहाँ के जो स्कूल के हेडमास्टर है और स्कूल के जो टीचर्स के जो टीम है उसने यहाँ पे डेटोल के जो है साबुन भी यहाँ पे रख दिए हैं ताकि बच्चे अगर टॉयलेट वगैरह या यूरिनल कहीं जाए और कुछ गंदगी को अगर छू ले तो वो यहाँ डेटोल द्वारा अपने हाथ को इस पे साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो पानी है वो भी आपकी 24 आवर्स है यहाँ पे यहाँ के छात्र के लिए। तो इस तरह का ये स्कूल एक मॉडल स्कूल अगर कहा जाए इसे तो काफ़ी सही होगा इस पे, क्योंकि आप देख सकते हैं स्कूल के सामने अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे फूल वगैरह लगाए। ये पहले मैं आपको बता दूँ कुछ वर्ष पहले यहाँ पे जंगल हुआ करते थे या फिर इस तरह का गार्डनिंग नहीं हुआ करते थे, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल पे हमारे जो हेडमास्टर जो आए हैं उसने अपने अध्यापकों के साथ मिलकर और यहाँ के जो स्कूल स्टूडेंट है उसके साथ मिलकर ये जो बंजर मट्टी है उसे एक गार्डन के रूप दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल वगैरह लगा के रखे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर एक कंपाउंड को एक सुंदर जो रूफ है यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह का स्कूल मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ कि अरुणाचल पे गांव पे इस तरह का स्कूल बहुत ही आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि स्वच्छता को लेके बहुत ही ये अहम जो कदम है हमारे स्कूल अथॉरिटी की ओर से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि या फिर जितने भी कंपाउंड है उसे एक बैरिकेड यहाँ पे एक बेरा दिया गया है, यहाँ पे एक बैरिकेड दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पूल के साथ साथ जो इन टीचर ने पूल के साथ साथ यहाँ पे क्या किया गार्डनिंग भी किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिंजल मटर और अन्य कई सब्जियों को यहाँ पे लगाया गया, बीज को यहाँ पे डाल के बोया गया। आप देख सकते हैं स्कूल पे पहली बार ऐसा होगा कि अरुणाचल पे कोई स्कूल पे आपको गार्डनिंग दिखाई देगा जहाँ पे आपको सब्जियाँ मिलेंगे। तो ये हमारे अरुणाचल पे एक पहला कदम होगा, पहले एक मोटिवेशन, पहले एक इनोवेशन आइडिया होगा कि आप देख सकते हैं कि स्कूल पे आपको सब्जियाँ मिलेंगे। जी हाँ, ये सही बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मटर है, ब्रिंजल है, अन्य यहाँ पे सब्जी जो लगाया गया है। तो प्रिंसिपल सर, इन सब्जियों का क्या करते हैं सर आप लोग? वन सेकेंड, थैंक यू। ये सब्जियाँ सिर्फ इस बार नहीं डाला गया है, लास्ट ईयर भी हमने यहाँ फ्रेंच बीन लगाया था, तो इस बार उसके बदले में आज इस बार हम लोगों ने मटर डाला गया है। डालने का एक मकसद है, ये जो है पार्ट जो है ये जंगल एरिया हुआ करता था, जो आपने पहले शब्द इस्तेमाल किया बंजर, तो वो चीज़ को हटाने के लिए हम लोगों ने इसको अच्छा से सफा के सफा करने के बाद हम लोगों ने मटर डाला। ये मटर डालने का मकसद है, ये मटर जो है एक देखने में भी फूल जैसा है, तो इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये इसका फल निकल भी जाता है तो हम उसको क्या बच्चों को मिड डे मील में भी हम खिलाया करते हैं कभी कभी। और ये बैगन वगैरह जो होता है और इसके साथ साथ और अन्य सब्जियां भी यहाँ पे है जिसको कि हम मिड डे मील में मिक्स करके बच्चों को खिला देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, जैसे मिड डे मील के लिए जो सरकार की जो फंड है उसकी इंतजार में रहते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ पे सर जो क्या कहते हैं कि इस जो मिड डे मील के लिए भी ऑर्गेनिक बिल्कुल आपको फ्रेश मिलते हैं यहाँ से, ऑर्गेनिक यहाँ पे कुछ मिलावट नहीं, इस तरह का जो खाद है बच्चों को खिलाया जाता है, इस तरह का सब्जियाँ निकल के। तो सर यहाँ पे अभी फिर देखते हैं आपकी स्कूल की जो कंडीशन है, देख सकते हैं ये स्कूल पे पहले बार ऐसा होगा कि टॉयलेट की आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे बाम जो स्कूल है इसके टॉयलेट आप देख सकते हैं, दरवाज़ा बिल्कुल सही है, सटीक है, कुछ प्रॉब्लम देखा नहीं। तो लेकिन कई स्कूल ऐसे अरुणाचल पे गांव-गांव पे मैंने कुछ ही विजिट करके देखा है, वहाँ पे स्कूल की जो टॉयलेट की कंडीशन है बिल्कुल वर्स रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट वॉशिंग के साथ साथ टीना भी सही है और आपके जो दरवाज़ा है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह यहाँ से टॉयलेट को यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ मैं आपको बता दूँ कि मैं आज पहुँचा हूँ लपाराधा क्षेत्र पे, और लपाराधा से
जो बासार हेडक्वार्टर है उससे कुछ ही दूर पर एक गांव है बाम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बाम पे मैं अभी मौजूद हूँ, और मेरे साथ आज मौजूद है यहाँ के हेडमास्टर नमुक सर। तो मैं सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे बीच आए सर। थैंक यू। तो सर जैसे कि ये एक गांव है, ये सेकेंडरी स्कूल गांव पे बना हुआ है, तो इस पे सर किस किस दिक्कतों का सामना आपको हो रहा है सर यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू बासर सर, एंड थैंक्स टू द इंडियन प्राइम न्यूज ऑल्सो। बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल माई नेम। माई नेम इज तोजन अमुक and I am the headmaster of this institution, and this is just almost 1 year I have been here as a headmaster. So for the better convenience I would like to speak in Hindi. Mera yahan main aaya hua kareeban 1 saal ho gaya. Aap board pe bhi dekh sakta hai main yahan 29th May 2020 ko aaya tha. Aane ke baad 1 saal से अभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस बीच में जब मैं यहाँ हेडमास्टर बन के आया तो मैंने देखा ये स्कूल, इसका कंडीशन बहुत ही खराब था, क्योंकि ये ऑन द वे में है ये स्कूल, तो सबका नज़र में ये स्कूल हमेशा आता था। इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल एज द कंडीशन ऑफ द स्कूल स्ट्रक्चर, ये दोनों बहुत ही बुरी हाल हुआ करता था ये स्कूल। तो मैं आने के बाद मैंने अपने विद्वान शिक्षकों के साथ मिल करके भरपूर काम करना शुरू किया है, एकेडमिक परसुएट के बारे में भी और इसका इम्प्रूवमेंट के लिए भी। तो आने के बाद मैं सबका साथ मिल करके स्कूल को आगे ले जाने का बहुत प्रयास किया, और 1 साल के अंदर में लगभग 50% इम्प्रूव हो गया ये स्कूल, और अभी भी ये स्कूल जो है बहुत काम करने का है, जो कि देखने से ही आपको मालूम होगा, हम यहाँ बैठ करके हम आसानी से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब एकेडमिक इम्प्रूवमेंट का बात करता है तो दिस इज टोटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर, तो मेरा निगरानी में ये सब हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो और ग्रे एरिया जो है वो है यहाँ का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बाम सेकेंडरी स्कूल का स्ट्रक्चर जो है टोटली वर्स्ट कंडीशन में है, तो ये डिलेपिलेटेड कंडीशंस जो स्ट्रक्चर, इसको आगे ले जाने का अभी बहुत सारा काम है। तो इसलिए यहाँ का जो मेजर प्रॉब्लम है वो है एकेडमिक इम्प्रूवमेंट एंड द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिनोवेशन का बारे में हमको बहुत काम करना है। तो ये दोनों चीजें हैं हमको और आगे जाकर के काम करना है। जैसे कि सर यहाँ पे अभी कुछ महीने पहले देखा आपने स्कूल के जो कंपाउंड है उसे किचन गार्डन में जो ट्रांसफॉर्म किया सर, तो ये आपको सर इनोवेटिव आइडिया सर आया कहाँ से? थैंक यू सर। वंस अगेन सर, ये इनोवेशन एक कहावत है, वेयर देयर इज ए वेल देयर इज ए वे। आप जितना सोचता है अगर उसको सही में इंप्लीमेंट करता है तो आसानी से काम निकल जाएगा। मेरा ये इनोवेशन, मेरा यहाँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये स्कूल में नहीं है, बल्कि मेरा इसका थोड़ा हिस्ट्री में बता देता हूँ। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग पासीघाट में किया गया था 2007 को एज ए सीनियर टीचर हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो वहाँ मैं 7 साल रहा। वहाँ में मेरा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट था और बहुत ही इनोवेटिव था, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सारा सीखा ये सारा काम को। उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफर होकर कांबा में मैं 8 साल तक रहा, तो कांबा में भी मैं अपने हिसाब से अपने तौर तरीका से मेरा प्रिंसिपल को साथ देते हुए मैंने बहुत सारा चीज काम किया, जो कि मेरा फर्स्ट खुद ब खुद ये इनोवेशन नहीं था, बल्कि मेरा जो डेडिकेशन था जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ काम कर गया। क्योंकि ये जो इनोवेशन का जो सब आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर बार हर समय वो अपने आप से नहीं आते हैं, बल्कि आपका एक्सपीरियंस से, आपका डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से ये सारा चीज खुद ब खुद आ जाता है। तो हार्ड वर्क और ये इनोवेशन जो है
मैं पासीघाट से शुरू किया था, पासीघाट से होने के बाद कंबा में किया, फिर यहाँ आके किया, क्योंकि ये सारा चीज जो है वो मेरा कुछ पर्सनल जो एक्सपीरियंस था और मेरा पर्सनल डेडिकेशन था, जिसके कारण से मैं वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करके यहाँ ये सब चीज को लागू किया है, जिसको कि आप नाम दे रहे हैं इनोवेशन। ये कोई इनोवेशन नहीं है, बल्कि ये मेरा और हमारे टीम वर्क का डेडिकेशन है, हार्ड वर्किंग है। तो सर, अभी जो किचन गार्डन जो आप लोग बनाए, इससे क्या यहाँ पे बदलाव देख रहे हैं यहाँ के लोगों में? हाँ, बिल्कुल बदलाव देख रहा है, क्योंकि ये किचन गार्डन जो है एक किस्म का जो एजुकेशन है, जिसको कि हम करिकुलर और को करिकुलर का नाम दिया जाता है। करिकुलर में हमारे पढ़ाई लिखाई होता है और को करिकुलर में हमारे लिटरेरी एक्टिविटीज और हमारे जो भी सोशल सर्विस वगैरह होता है, किचन गार्डन वगैरह होता है, वो सब आ जाता है। तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्टिव सिर्फ बैठ करके पढ़ाई लिखाई करने का नहीं है, बल्कि हम बच्चों को लिटरेरी एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और हमारे किचन गार्डन वगैरह सिखाना है, क्योंकि उसका स्किल को हम पैंड आउट करना है, कौन कहाँ में कितना तक है, कौन पढ़ाई में ठीक है, कौन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ठीक है, कौन कामकाज में ठीक है, वो सब को हम फाइंड आउट करना है। इसलिए ये सारा एक्टिविटी जो है हमारे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम इसको भी आगे लेके जाने का होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी सर, अभी जैसे कि आपके स्कूल की जो कंडीशन है काफी वर्स कंडीशन पे, तो इस पे देखा गया कि कुछ कुछ जगह पे आपका रिनोवेशन जो अभी काम जो चल रहा है सर, तो इस पे सर आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि रिनोवेशन हुआ कैसे सर? एग्जैक्टली, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर ये बात को दोहरा देता हूँ, मैं जब यहाँ आया था ये स्कूल का कंडीशन बिल्कुल करप्ट था और बिल्कुल वर्स कंडीशन था। आप बाद में भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ आने के बाद तुरंत बहुत यहाँ के लोकल लीडर है और यहाँ के एसएमडीसी मेंबर से मैंने सबको मिला, मिलके हमने खुले दिल से बात किया, स्कूल का कंडीशंस के बारे में बताया। तो उसके बाद मैंने अपने ऑनरेबल एमएलए गोकर साहब के पास भी गया, तो उसको मैंने स्कूल का बारे में बताया, तो हमारे ऑनरेबल एमएलए ने भी हमको भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया, और जो भी मांगा उन्होंने मदद किया हमको। उसके बाद हमारे जेपीसी मैडम, दिलसी मैडम एक बार स्कूल में आया, तो जब वो आया तो स्कूल के कंडीशन का बारे में मैंने बताया, तो जब बताया तो उन्होंने भी हमें बहुत मदद की है, और उसके साथ साथ उन्होंने इसका रिनोवेशन के लिए हमें कुछ पैसे दिए, तो वो पैसे को हम हमारे टीचर्स के साथ मिल करके हम भरपूर कोशिश किया इसको रिनोवेट करने का, और रिनोवेशन ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश पेंटिंग सब खत्म हो गया, और उसके साथ साथ सीलिंग जितना भी खराब था, तो मैं बाद में आपको भी दिखा दूंगा, ये रिनोवेशन जो आइटम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी करना सिर्फ विंडो का जो ग्लास डालने का है वो सिर्फ अभी रह गया है, अदरवाइज मेरा रिनोवेशन वर्क जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इससे ज्यादा अगर काम करना है तो सिर्फ तोड़ करके घर को हम नया बिल्डिंग करा करना है, यही बाकी रह गया है, अदरवाइज सब ठीक हो गया मेरा। जैसे सर अभी आप ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बाम के हेडमास्टर हैं, तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे अभी स्कूल का जो कंडीशन स्थिति कैसा है, तो सर जैसे कि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम या स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, और आप सरकार हमारे जो राज्य के जो मंत्री है शिक्षा मंत्री और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सर आप क्या अपील करना चाहेंगे स्कूल के आपकी जो स्थिति को लेकर? सर सर फिलहाल अभी जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सिर्फ बाम सेकेंडरी स्कूल का बात नहीं है, बहुत सारा ऐसा रिमोट एरिया में ऐसा स्कूल्स है जो कि दिपांग पड़ा हुआ है, दिपांग इन द सेंस एनरोलमेंट कम एनरोलमेंट होने की वजह से, या तो स्कूल डिलैपिलेटेड कंडीशन होने के कारण से अभी बहुत सारा ऐसा स्कूल से तकलीफ में है, जिसको कि अभी गवर्नमेंट का अटेंशन जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट उन इलाकों को ज्यादा ध्यान देता है जहाँ जो सिटीज वगैरह होता है, टाउन होता है, उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो रिमोट एरिया होता है उसमें ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो मेरा सरकार से और
हमारे लोकल एमएलए से भी यही अपील रहूंगा, क्योंकि हमारे जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट जैसा जो रिमोट एरिया है, इनमें भी ऐसा बहुत सारा, लेपारादा का अंदर में भी और सारा बहुत रिमोट स्कूल है, जो कि अभी किसी किसी का स्कूल जो है कंडीशन बहुत खराब है। या तो उसको पूरी मेंटेनेंस करने का जरूरी है, या तो उसको तोड़ करके नया स्ट्रक्चर खड़ा करने का जरूरी है, जिसके वजह से उसे ही स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण से ज्यादातर स्टूडेंट जो है माइग्रेट कर जाता है सिटीज के तरफ और टाउन के तरफ। तो उसके कारण ये हो गया, उसके वजह से अब रिमोट एरिया में, रिमोट स्कूल में एनरोलमेंट कमती होते जा रहे हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है माइग्रेट कर जाते हैं टाउन वगैरह में। तो इसलिए अगर ये स्कूल को आप डिसेंट्रलाइज करना, एनरोलमेंट को डिसेंट्रलाइज करना चाहोगे और स्कूल को प्रॉपरली फंक्शन करते हुए देखना चाहोगे, तो आपको हमारे सरकार को रिमोट एरिया का स्कूल को भी थोड़ा फोकस करना जरूरी है। और जो टीचर का जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो इनप्रोपोर्शनेट होता है, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर टीचर को आजकल जो है टाउन और सिटीज वगैरह में पोस्टिंग किया जाता है, या तो उसका पॉलिटिकल बैकिंग होता होगा, या हाई हैंडेंस का वजह से वो अपना ट्रांसफर जो है टाउन वगैरह में लेता है। लेकिन ज्यादातर आप खुद पर्सनली भी जाके देखता है तो रिमोट एरिया में टीचर्स बहुत कमती है, क्योंकि इसका मतलब जो है टीचर्स पोस्टिंग में भी प्रोपोर्शन नहीं है, जिसके कारण से टीचर कम होने के वजह से ज्यादातर स्टूडेंट जो है माइग्रेट कर जाता है टाउन्स और अच्छा अच्छा स्कूल में। और जब टीचर ही उस स्कूल में नहीं रहेगा तो स्कूल कैसा फंक्शन, प्रॉपरली फंक्शन हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए इसको टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को भी प्रोपोर्शनल बनाना है, और सरकार को जो रिमोट एरिया का जो स्कूल से उसका स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है, मेरा यही अपील रहूंगा। जैसे सर आपके यहाँ पे देखा है, सर आपके यहाँ पे कंप्यूटर के ना ही ऑपरेटर है सर अभी के स्थिति में, तो सर इस पे आप जो मेन पावर है जो आपके टीचर्स को छोड़ के सर जो मेन पावर है सर, उस पे आप क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल, देखिए जिस स्कूल में अगर स्टाफ का वो पोस्टिंग होना जरूरी है तो जरूर पोस्टिंग कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हमसे पहले जो यहाँ का हेडमास्टर थे उनका कहना था यहाँ एक एलडीसी भी रहता है, लेकिन मेरा आने के बाद ये एलडीसी यहाँ से गायब हो गई। लेकिन अभी दोबारा यहाँ पोस्टिंग करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन वेरी फॉर्चुनेट एनफ कि हम खुद अपना से एक सिस्टम को चला सकते हैं, तो इसलिए उसका ना होते हुए भी मैं खुद यहाँ कंप्यूटर अपना से कर लेता है, और जितना भी पेपर वर्क है वो मैं अपने टीचर्स के साथ मिल करके कर लेता है। मेरा यहाँ टीचर्स बहुत नौजवान लोग हैं, तो वो सारा सिस्टम को अपना से कर सकता है और मैं भी खुद कर सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हेडमास्टर प्रिंसिपल जो अपने से नहीं सकता है, उन लोगों के लिए ये एक्सपर्ट जरूरी है, जो स्टाफ मेंबर जो है वो पोस्टिंग करना जरूरी है। तो इसलिए मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, एजुकेशन का हेड है, बीडीसी सर को भी मैं यही अपील करूंगा, जहां जहां स्टाफ जिसको जरूरी है वहां स्टाफ पोस्टिंग कर देना जरूरी है। आपको भी ये सारा प्रॉब्लम ये आपका ऊपर निर्भर करता है कैसा करना है नहीं करना, तो आपसे मैं यही अपील करूंगा कि आप जल्द से जल्द जहां एलडीसी होना चाहिए वहां नहीं है तो आप उसको भी, वो प्रॉब्लम को भी देख दें। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच जो महत्वपूर्ण बातें आपने रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं हमारे जो राज्य सरकार है उससे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे आज हेडमास्टर जी ने जैसे कहा है कि अगर गांव के स्कूलों पे अगर थोड़ी सी ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी एक अच्छी रिजल्ट, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्टूडेंट यहाँ से भी भेजा जा सकता है और निकला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स के कमी होने के कारण और स्कूल के जो कंडीशन है बिल्कुल बुरी हालत होने के कारण बच्चों को यहाँ से निकल के टाउन शहरों की ओर भागना पड़ता है। तो अगर हमारे राज्य सरकार थोड़ी ध्यान अगर गांव की ओर दिया जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर एक बार आपका। थैंक यू।